अगर आप भी दिल्ली के इन इलाकों में रहते हैं तो आपके लिए बुरी खबर है। दरअसल दिल्ली की पानी सप्लाई की मेन लाइन में इंटरकनेक्शन कार्य की वजह से पश्चिमी दिल्ली के करीब 2 दर्जन से अधिक इलाकों में पानी की किल्लत हो सकती है। इनमें दिल्ली के बसई दारापुर मेट्रो स्टेशन के पास से नजफगढ़ ड्रेन होते हुए पश्चिमी दिल्ली के इलाकों में जाने वाली पानी सप्लाई की मेन लाइन है, जहाँ रहने वालों को पूरे 2 दिन तक पानी की समस्या से जूझना पड़ सकता है। ये काम 26 और 27 अक्टूबर को होना है, यानी 2 दिन तक कई इलाकों में पानी की आपूर्ति बाधित रहेगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली जल बोर्ड से पानी लेने वालों के लिए बेहतर होगा कि जरूरत के मुताबिक पानी पहले से ही स्टोर कर लें, ताकि दिल्ली जल बोर्ड के मरम्मत कार्यों के दौरान कोई परेशानी ना हो। हालांकि DJB ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर दोनों ही दिन लोगों की मांग पर टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जाएगी। दिल्ली जल बोर्ड से मिली जानकारी के अनुसार बसई दारापुर मेट्रो स्टेशन के पास नसबगढ़ ड्रेन के साथ 1100 mm की मेन लाइन जा रही है। इस मेन लाइन में ही एक दूसरी लाइन का इंटरकनेक्शन किया जाना है। इसी वजह से 26 और 27 अक्टूबर यानी कि आज और कल इन इलाकों की पानी सप्लाई को बंद रखा जाएगा। जिन इलाकों की पानी की किल्लत रहेगी उनमें पश्चिमी दिल्ली के राजा गार्डन, रमेश नगर, ख्याला, रानीबाग, मोती नगर, शारदापुरी, टैगोर गार्डन, तिहाड़ गांव, तिलक नगर, वरुण निकेतन, राजौरी गार्डन, कर्मपुरा, सरस्वती गार्डन, हरिनगर, मानसरोवर गार्डन, विष्णु गार्डन, सुभाष नगर, मोहन गार्डन, गणेश नगर, कृष्णापुरी, रवि नगर, चांद नगर और उत्तम नगर इलाकों के कुछ हिस्से शामिल हैं। दिल्ली जल बोर्ड ने लोगों को होने वाली असुविधा को देखते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी लोगों के साथ शेयर की, ताकि लोग अपने लिए पानी का भंडारण कर पानी की किल्लत से बच सकें। हालांकि इस दौरान पानी की मांग होने पर टैंकरों से पानी की सप्लाई की जाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक पानी के टैंकरों को मंगवाने के लिए DJP के उपभोक्ता आपातकालीन फोन नंबर 1916-2352-17679-2353-8495 और 2363-4469-2522-3658 पंजाबी बाग, 2519-3140-2517-4140 शिवाजी इनक्लेव और 2528-1197 पश्चिमी विहार पर संपर्क कर सकते हैं। DJP उपभोक्ता की सूचना पर टैंकरों से पानी पहुंचाने का काम करेगा।